तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि सीएसएस में एनिमेशन कैसे करते हैं। तो सीएसएस में किसी भी एलिमेंट को आप बिना जावास्क्रिप्ट यूज किए हुए एनिमेट करवा सकते हो, और ये CSS3 का फंक्शनलिटी है। पहले CSS2 और CSS1 में नहीं था, ये CSS3 में ही ऐड किया गया एनिमेशन। तो एनिमेशन में क्या होता है कि हम लोग एक की फ्रेम डिफाइन करते हैं। की फ्रेम जब डिफाइन करते हैं सीएसएस में, तो वहां पे हम लोग बताते हैं कि कब क्या करना है, मतलब कौन कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होगा, कि कब होगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, ये सब सारी चीजें बताते हैं। तो हो सकता है ऐसे अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट एक डिव बनाता हूँ, उसका आईडी दे देता हूँ एनिमेट। मैंने एक डिव बना लिया, अब सीएसएस में सीधा चलते हैं और यहाँ पे एक सिलेक्टर बनाते हैं एनिमेट नाम का। मैंने सिलेक्टर भी बना लिया। अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे विड्थ और हाइट देते हैं और बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो मान लो हम लोग देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड और हाइट 100 पिक्सल। 100 नहीं, हम लोग यहाँ पे अब क्या करते हैं कि 200 रखते हैं, 200 पिक्सल, और विड्थ रखते हैं 200 पिक्सल, स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, अब अगर आप आउटपुट देखो तो क्या मिलेगा हमें ये। अब देखो अब क्या करना है हमें यहाँ पे कि इस एनिमेट से पहले हम लोग एक की फ्रेम बनाएंगे। की फ्रेम का मतलब है कि एनिमेशन में क्या होगा और कब क्या होगा, मतलब देखो दोनों चीज हमें तय करेंगे कि एनिमेशन में क्या होगा और कब होगा। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलते हैं की फ्रेम। ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन होता है, आप पहले लिखते हो एट द रेट और यहाँ पे लिखते हो की और फ्रेम, की फ्रेम्स लिख दिया। अब यहाँ पे आप नाम देते हो इस की फ्रेम का पर्टिकुलर का। तो मान लो मैं नाम दे देता हूँ चेंज कलर। ठीक है, ये नाम दिया मैंने। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और ऑफ। अब यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि कब क्या हुआ। तो देखो एक पहले अभी मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, फिर धीरे धीरे करके कॉम्प्लिकेट करता जाऊंगा। तो अभी देखो पहले हम लोग लिखते हैं फ्रॉम। ठीक है, एक कीवर्ड है उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम में क्या होगा। तो मान लो फ्रॉम में क्या होगा, बैकग्राउंड एक काम करता हूँ मैं फिलहाल के लिए इसको ऐसे ना लिख के एक लाइन में लिखता हूं, ताकि आप लोगों को देखने में और समझने में थोड़ा आसान होगा, बाद में आप लोग कर लेना ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं कि स्टार्ट जब होगा, मतलब फ्रॉम। ठीक है, तो चलो प्रॉपर्टी यहाँ छोड़ देते हैं, पहले यहाँ पे ऐसे लिखते हैं फ्रॉम और टू। अब देखो अभी हमने लिखा फ्रॉम और टू, मतलब स्टार्ट होगा एनिमेशन तो क्या होगा, और टू का मतलब जब खत्म होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं कि जब स्टार्ट होगा तो बैकग्राउंड कलर रेड रखना, और जब एंड होगा तो बैकग्राउंड कलर येलो कर देना। मैं क्या करता हूं यहां पे रेड को येलो कर देता हूं, कर दिया। तो ये हमारा की फ्रेम सेट हो गया, मतलब हमने बता दिया दो चीजें। देखो पहले तो एट द रेट की फ्रेम्स लिखा, उसका नाम दिया, और उसके अंदर हम लोग बता रहे हैं कि जब स्टार्ट होगा तो बैकग्राउंड कलर रेड रखना, और जब एंड होगा तो बैकग्राउंड कलर येलो रखना। अब हम लोग यहाँ पे बताते हैं इस आईडी में कि कौन सा की फ्रेम एनिमेशन के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एनिमेशन नेम, और यहाँ पे वही नाम दोगे जो आपने की फ्रेम में दिया है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस आईडी पे ये एनिमेशन लग जाए, चेंज कलर वाला एनिमेशन लगे, पहली चीज। दो चीज, अब उसके बाद एक और चीज कंपलसरी है, एनिमेशन ड्यूरेशन कि कितने देर में हो ये काम। तो मान लो मैं अभी फिलहाल लिखता हूँ एनिमेशन ड्यूरेशन 1 सेकेंड। मैं चाहता हूं कि 1 सेकेंड में ये वाला काम करें, मतलब जब 0 सेकेंड पे होगा तो बैकग्राउंड कलर रेड होगा, जब 1 सेकेंड पे होगा तो येलो होगा, बट एनिमेशन के साथ होगा। अभी देखो कैसे, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो मैंने रिफ्रेश किया, अभी देखो 1 सेकेंड में उसने किया। अब मान लो मैं इसको डिले कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोगों को दिख सके, अब 2 सेकेंड कर देता हूँ। अब देखो आपने देखा कि किस तरीके से एनिमेशन हुआ, ये बस कलर का भी बताया मैंने, आप इसमें कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अच्छा अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि ये जो मैंने फ्रॉम और टू लिखा था ये बहुत बेसिक चीज था। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, बट अच्छा तब होगा जब आप इसको परसेंटेज में लिखो।
परसेंटेज किसका वो लेगा, इसका ड्यूरेशन का। मान लो मैंने 2 सेकेंड लिखा, तो इस फ्रॉम का मतलब क्या हुआ, 0 सेकेंड, और टू का मतलब क्या हुआ, 2 सेकेंड। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में लिख सकते हैं कि यहाँ पे 0% और यहाँ पे लिख दिया हमने 100%। अब भी ये सेम काम करेगा, फ्रॉम और टू का मतलब सेम हो गया, ये देख हो गया 2 सेकेंड। अब हम लोग ऐसा नहीं है कि 0% कर सकते हैं, 0 से लेके 100% तक को चीजों को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं क्या कर देता हूं कि सर फिलहाल आपका 25%, 50%, 75% इन सब पे अलग अलग कलर फिट करता हूं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 25%, उसके बाद होगा 50%, उसके बाद कर देते हैं 75%, और यहाँ पे कलर एक एक करके हम लोग चेंज करेंगे अभी। तो हम लोग इसको कर देते हैं ग्रीन, और उसके बाद मैं कर देता हूँ ऑरेंज, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। अब देखो अब होगा क्या, अब इस 0, 25, 50, 75, 100% इसका मतलब क्या है कि इस 2 सेकेंड को हम लोग इतने पार्ट में तोड़ेंगे, और पर्टिकुलर तोड़ने के बाद इस इतने परसेंटेज पे हम लोग क्या क्या काम करेंगे। यहाँ पे ये ग्रीन लिखा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 सेकेंड पे बैकग्राउंड कलर रेड होगा, उसके बाद 25% मतलब 0.5 सेकेंड पे ग्रीन हो जाएगा, फिर 1 सेकेंड पे ऑरेंज हो जाएगा, और 1.5 सेकेंड पे रेड हो जाएगा, 2 सेकेंड पे येलो हो जाएगा। तो इस की फ्रेम में जो परसेंटेज है वो एक्चुअल में आपका ड्यूरेशन को डिवाइड करता है, उस परसेंटेज लेता है। तो इस हिसाब से आप फ्रेम सेट कर सकते हो। अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब इसने अपना सारा कलर खुद से चेंज किया। अगर आप इसको अभी 4 सेकंड कर दो तो ये थोड़ा सा और स्लो हो जाएगा, ये देखो हो गया। अच्छा अब इसमें हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही चेंज नहीं कर सकते, हम लोग जो चाहे मर्जी वो चेंज कर सकते हैं, जो भी सीएसएस का प्रॉपर्टी रहता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसमें विड्थ चेंज करके आपको दिखाता हूँ। देखो अभी विड्थ क्या है, 200 पिक्सल है। मैं 25% पे मतलब आधे सेकंड पे विड्थ कलर को ना चेंज करके विड्थ चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको 300 कर देना चाहता हूँ। और फिर चाहता हूँ कि 1.5 सेकंड पे एक कलर और चेंज होने के बाद ये फिर से हमारा 200 पिक्सल पे आ जाए। तो देखो अब एनिमेशन किस टाइप का बनेगा, मैंने रिफ्रेश किया, अब देखो ये कलर भी चेंज हो रहा है और विड्थ भी उसी हिसाब से चेंज हो रहा है, ये देखो। अब एनिमेशन ड्यूरेशन तो आप लोग समझ गए हो कि यहाँ पे सेकंड या मिली सेकंड में दे सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद होता है एनिमेशन डिले, कि हम लोग चाहते हैं कि इतने सेकंड के बाद ये स्टार्ट हो काम होना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन के जगह पे डिले। अब देखो अब यहाँ पे मैंने दे दिया 2 सेकंड, तो अब जब रिफ्रेश करूंगा मैं तो 2 सेकंड के बाद एनिमेशन स्टार्ट होगा। देखो मैंने रिफ्रेश कर दिया, अब स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से आप एनिमेशन में डिले भी लगा सकते हो। अब आप अभी अगर एनिमेशन को देखते होगे तो एक बार होता होगा फिर बंद हो जाता होगा, तो आप यहाँ पे उसको रिपीट भी करवा सकते हो। मैं फिलहाल एनिमेशन डिले हटा देता हूँ जानबूझ के, क्योंकि वो डिले क्यों करवाए हम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बार बार करवाने के लिए एनिमेशन को, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, ठीक है, कि कितनी बार आपको आइट्रेट कराना है, लूप में रखना है। तो मान लो मैं चाहता हूँ 3 बार करे ये काम, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या होगा, ये काम 3 बार करेगा फिर रुकेगा। देखो 2 बार हो गया, अब ये 3रा बार भी करेगा फिर रुकेगा, अब ये रुक गया। अब हम लोग चाहते हैं कि ये 3 बार नहीं हमेशा करता रहे, इनफाइनाइट होता रहे ये चीज, तो हम लोग यहाँ पे बस लिख देंगे इनफाइनाइट। अब देखो अब ये रुकेगा ही नहीं, ये होता रहेगा, ये प्रोसेस जो हमने लगा दिया है ये काम वो होता रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब एक और चीज सीखते हैं। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका एक कॉपी बनाता हूँ फटाफट इस डिव का, और यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमेशन 2, ठीक है। अब मैं इस जो डिव है इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका पूरा प्रॉपर्टी मैंने सेव कर दिया, सब कुछ सेम रखता हूँ मैं, एनिमेशन ड्यूरेशन आइट्रेशन सब, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे एक BR या HR लगा देता हूँ ताकि वो थोड़ा डिफरेंस रहे, HR लगा दिया। अब यहाँ देखो अब ये सेम चीज दो होगा, ये काम नहीं किया क्योंकि हमने गड़बड़ किया है, हमने क्या किया, यहाँ एनिमेट 2 लिखा था, यहाँ पे एनिमेट 2 नहीं किया। अब देखो एनिमेट 2 हो गया, अब यहाँ पे देखो 2 होगा, हो रहा है सेम काम।
अब मैं क्या आपको बताने वाला हूं कि अभी इस फ्रेम को हमने दोनों जगह यूज किया, अभी फ्रेम ऊपर से नीचे चल रहा है, ठीक है, जो पहले रेड हो रहा है, फिर ऑरेंज हो रहा है, फिर येलो हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि एक में ऊपर से नीचे हो और दूसरे में नीचे से ऊपर हो, मतलब रिवर्स हो जाए फ्रेम। तो हमें, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है रिवर्स करने के लिए, एनिमेशन डायरेक्शन। आप लिखोगे एनिमेशन डायरेक्शन, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप डाल दोगे रिवर्स। तो रिवर्स में क्या होगा, वो चीज रिवर्स होने लगेगा। अब देखो, देख रहे हो, वो उल्टा बिहेव कर रहा है, उससे उल्टा जा रहा है। वो जब अंदर आ रहा है तो ये बंद हो रहा है, और वो जब जा रहा है तो वो हो रहा है, वो ये उल्टा काम कर रहा है, समझ लो। इसी को बोलते हैं रिवर्स। अब इसमें हमारे पास दो तीन चीजें और होती है, एक होता है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट में क्या होता है कि एक बार वो फॉरवर्ड जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे आएगा, और दूसरी बार नीचे से ऊपर जाएगा, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट। तो देखो क्या होगा, अल्टरनेट लगा देता हूं मैं। अभी देखो, अभी दोनों स्टार्ट होगा सेम तरीके से, लेकिन बाद में चेंज हो जाएगा सेकंड राउंड में। ये देखो, स्टार्ट सेम तरीके से हुआ, फर्स्ट राउंड खत्म, अब सेकंड राउंड ये बिहेवियर चेंज कर दिया, मतलब अब नीचे से ऊपर जाने लग गया, फिर थर्ड राउंड सेम जाएगा, फिर करेगा, तो वो हो गया अल्टरनेट। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होता है अल्टरनेट रिवर्स, उसमें क्या होता है, पहले नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा। अब देखो क्या होगा, अब देखो पहले नीचे से ऊपर जा रहा है नीचे वाला, अब उसके बाद सिमिलर हो जाएगा। अभी देखो, अब दोनों का सिमिलर हो गया। तो यही है, ये चार चीज आप लगा सकते हो। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक चीज और मिलता है, आप यहाँ पे वो जो टाइमिंग फंक्शन मैंने आपको उसमें 3D वाले में दिखाया था, वो भी यूज कर सकते हो। कि मतलब कैसे होगा, मतलब लीनियर रहना चाहिए, या ईज इन होना चाहिए, या ईज आउट होना चाहिए, या ईज इन ईज आउट होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो आपको लिखना पड़ेगा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, टाइमिंग फंक्शन। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो, या तो ईज लगा सकते हो। देखो अब ईज में क्या होगा, मैंने रिफ्रेश किया, अभी फिलहाल के लिए मैंने अल्टरनेट रिवर्स लगाया हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब देखो, अब मैंने ईज लगाया, अब देखो ये दोनों ईज में काम कर रहा है अभी फिलहाल। अब मैं एक का चेंज कर देता हूं, तो आपको हो सकता है पता चलेगा। अब मैं कर देता हूं इसको ईज इन। अब देखो, देख रहे हो, दोनों का स्पीड, एनिमेशन का तरीका देखो बदल गया ना। अब मैं कर देता हूं इसमें ईज आउट। अब देखो, आप एनिमेशन के तरीके में बदलाव आ गया। अब मैं यहां पे कर देता हूं इज इन इज आउट, तो आप यहां पे एनिमेशन के तरीके को देखो, ये स्टार्ट होता स्लो है और एंड होता स्लो है, बीच में कवर कर लेता है चीजों को, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहां पे और भी चीजें होती हैं, जैसे लीनियर होता है, तो आप वो सब लगा के देख सकते हो। अगर मैं आपको, चलो लीनियर भी दिखाई देता हूं, यहां पे मैंने लीनियर लगा दिया। अब यहां पे रिफ्रेश करते हैं, अब देखो लीनियर कुछ इस तरीके से। अब यहां पे जो हमने फ्रेम लगाया था, यहां पे हम मल्टीपल चीजें भी एक साथ लगा सकते हैं, तो उसको दिखाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल को ही बदल देता हूं, थोड़ा सा अच्छा सा एग्जाम्पल है, तो वो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ कि मल्टीपल चीजें कैसे लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले तो ये एनिमेट टू हटा देता हूं, मैं यहां से एनिमेट वाला ही रहने देता हूं। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग कि पहले इस एनिमेट टू को भी हटा देता हूं मैं, हटा दिया। एनिमेट में हमने बैकग्राउंड कलर अभी फिलहाल रेड रख लिया, इसको अभी फिलहाल के लिए 300 कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, क्योंकि जो मैं अभी एनिमेशन लगाने वाला हूं उसमें थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए तभी अच्छा लगेगा। मैंने 300 300 कर दिया, सेम की फ्रेम भी रख लिया चेंज कलर का। एनिमेशन ड्यूरेशन को मैं कर देता हूं फिलहाल के लिए 2 सेकेंड, और इनफाइनाइट रहेगा ही रहेगा। और एनिमेशन टाइमिंग भी लगा देते हैं इसमें लीनियर, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर मैं लगा दिया। अब यहां पे हम लोग फ्रेम चेंज करेंगे, अभी बस कुछ नहीं होगा, बड़ा हो गया होगा ये, और कुछ नहीं, वो काम वही कर रहा है। अब मैं इसको चेंज करता हूं, अब हम लोग हर एक 10% पे चेंज करके देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, और एक काम करेंगे कि अब बैकग्राउंड कलर के साथ साथ हम लोग, पहले हटाओ इसको यहां से, अब मैं आपको यहां पे दिखाना स्टार्ट करता हूं। अब यहां पे हम लोग दो चीजें एनिमेट करवाएंगे, एक बैकग्राउंड कलर और दूसरा बॉर्डर रेडियस।
बॉर्डर रेडियस, और यहां पे हम लोग कर देते हैं 10%, और इसी तरीके से हम लोग हर 10% पे चेंज करेंगे दोनों चीजों को। तो मैं क्या करता हूं कि इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां पे मैंने इसको भी हटा दिया था। अब मैं इस फ्रेम को कॉपी करता हूं और उसके बाद देखते हैं। तो यहां पे हो गया 10 सेकेंड, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80, 90, और एक और हम लोग पेस्ट कर देते हैं और इसको बना देते हैं 100। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बॉर्डर रेडियस पहले बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 20, फिर कर देंगे 30, फिर कर देंगे 40, फिर कर देंगे 50, और उसके बाद वहां से फिर से रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। 40, फिर करेंगे 30, फिर करेंगे 20, और फिर करेंगे हम लोग 10, और उसके बाद कर देंगे 0। ओके, ये लास्ट क्यों नहीं पहुंचा? अच्छा है, यहाँ पे हमें 0 से स्टार्ट करना था। सॉरी, अब मैं इसको फटाफट चेंज कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, सॉरी, यहाँ से रिवर्स जाएगा 4 3 2, और फिर यहाँ 10। अब देखो, ये रिवर्स कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हम लोग कलर चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैं कर देता हूँ रेड के बाद येलो, उसके बाद कर देता हूँ ब्लू, येलो ग्रीन हो गया, अब मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन ग्रीन, उसके बाद करेंगे हम लोग ऑरेंज, उसके बाद फिर करेंगे हम लोग फिर से यहाँ पे आने के बाद रेड कर देते हैं, उसके बाद फिर एक काम करता हूँ, मैं ऑरेंज ही कॉपी कर लेता हूँ रेड के बाद, या यहाँ ब्राउन कर देते हैं, ब्राउन नहीं, ऑलिव कलर कर देता हूँ, ऑलिव कलर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से एक काम करते हैं, चेंज करके ऑरेंज ले आते हैं, ऑरेंज, उसके बाद फिर से ग्रीन ब्लू कर देंगे, चेंज करते हैं ग्रीन, और यहाँ पे हो गया ब्लू, और फिर हम लोग यहाँ पे कर देंगे येलो, और लास्ट में फिर से रेड। तो देखो, हमने की फ्रेम डिफाइन कर दिया इतना सारा, हर 10-10% पे। अब हमने एक बात अगर गौर करोगे तो हमने दो दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया है, चेंज किया है एक फ्रेम पे, बैकग्राउंड कलर भी, बॉर्डर रेडियस। इसी तरीके से आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टी एक फ्रेम पे चेंज कर सकते हो। और अगर ऐसे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो जैसे नॉर्मल सीएसएस लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसे रखा, इसको नीचे किया और इसको नीचे कर दिया, ये देखो। तो 0% पे हमने ऐसे डिफाइन कर दिया। अब इसके नीचे जितनी मर्जी सीएसएस लिखते रहो, मैं यहाँ पे ऐसे इसलिए लिख रहा था ताकि कॉपी करना और चेंज करना मेरे लिए आसान हो रहा था। अभी ये देखो आप, अब आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं एनिमेशन को देखते हैं। अब मैं यहां आता हूं और इसको रिफ्रेश कर देता हूं, ये हमारा बना एनिमेशन। अब आप देखो क्या हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है, बॉर्डर रेडियस भी चेंज हो रहा है। तो बॉर्डर रेडियस की वजह से क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। तो आई होप आपको एनिमेशन समझ में आ गया हो। अब इसी चीज को आप जितना दिमाग लगाते जाओगे कि कब क्या करना है और कैसे करना है, तो ये चीज हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।